हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो देखिए, ये आज हमने सुंदर सा मैट बनाया है, और मैट बनाया है हमने बिल्कुल वेस्टेज चीज़ों से जो हमारे पास कतरन होती हैं। तो चलिए देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने आज कतरे उठा ली हैं सारी, जितनी भी खट्टी हुई पड़ी थी मेरे पास। और यहाँ पे मैं इनमें से 8x8 का एक, मतलब कि दो दो पीस निकाल लूँगी 8x8 के। ये छोटे जो मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं और वो छोटे हैं साइज में, तो उनमें मैं बीच में जो है जॉइंट लगा लूँगी। इसमें मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जो हमारे पीसेस निकलते हैं जिसमें से, देखिए जैसे इसमें भी मैंने थोड़ा जॉइंट डाला हुआ है दोनों में इनमें, और हमें 2 पीसेस चाहिए 8x8 के। तो हम मेजरमेंट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज भी ले सकते हैं, थोड़ा छोटा साइज भी ले सकते हैं। तो मैंने 8x8 का यहाँ पर ये साइज लिया है, 8x8 का मैंने ये जो पीस लिया है वो ले लिया है मैंने ये चकोर पीस। अब मैं इसमें से निकालूंगी और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे जो मैंने मार्क किया है। इसमें से तो नहीं निकलेगा, ये अलग रख देंगे हम। फिर मैंने ये फैब्रिक लिया है, अब इसमें से निकाल लेंगे हम 2-3 जो पीस है हमारे, इसमें से निकल जाएंगे 2 पीस निकल जाएंगे इसमें से आराम से। और फिर पहले हम कट कर लेते हैं, ये कुछ मैंने कट कर भी लिए थे, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि इसमें सिलाई कैसे करनी है, सिलाई का मेथड। और सच में सुम बनकर भी एकदम गद्दे से टाइप में ये बन जाएगा हमारा, और जो हमारी वेस्ट ये कतरन है इनका भी अच्छा खासा यूज हो जाएगा और हमारा मैट बन जाएगा। और ये मैं स्पेशली हनु के लिए ही बना रही हूँ, धूप में बैठने के लिए, क्योंकि दूसरा मैट है वो उसे छोटा पड़ता है। वो भी पड़ा तो फिर ये भी छोटा ही था उसको। ये तो हम लेंथ वाइज जितना मर्जी इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये भी मैं कट कर लेती हूँ, इसमें मैं सिलाई लगाकर जॉइंट लगाकर फिर बाद में इसको कट करेंगे। अब आ गए हैं हम मशीन पर, तो चलिए फिर अभी इसमें लगा लेते हैं जॉइंट और फिर करेंगे स्टार्ट। बीचों बीच हमने इसमें जॉइंट डाल लिया है, ऊपर से भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे कि हमारा जॉइंट अच्छे से बैठ जाएगा। और इसमें दूसरा है जो ये ग्रीन वाला, इसमें भी लगा लेंगे, तो इसमें से फिर हमारे एक एक पीस जो है वो निकल जाएंगे अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे भी हम इसमें जो है ग्रीन वाले में भी जॉइंट लगा लेंगे ऊपर से ऐसे सिलाई में, तो एक ही सिलाई लगा दूंगी इसमें। ये हमारे इसमें मुझे 2 सिलाई लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने ऊपर से रख के लगा दी है क्योंकि ये करनी आ रही थी यहाँ पे। अब इसमें से हम 8x8 का पीस निकाल लेंगे, इसमें से बल्कि थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही फर्क लगा था ये। और ये मैट्स ना सच में बनकर भी बहुत ही अच्छा था। और पीसे जैसे हम ये बना लेते हैं ना, छोटे छोटे पीसे जोड़ते हैं बना करके, तो इसमें और भी अच्छा इसका, मतलब कि अच्छे से बन भी जाता है और अच्छे से लुक भी आता है। तो देखिए, अभी इसमें से भी कट कर लेते हैं, अब इनको सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बीच में से 2 इंच छोड़ करके, और ऐसे ये हमें जिधर से फोल्डेड है उधर सिलाई नहीं लगानी है, तीन यानी चारों साइड सिलाई लगेगी, बीच में से थोड़ा हमें छोड़ना है ये पलटने के लिए। 2 इंच का गैप दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने इसे मार्क किया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोने पे अब कट कर देंगे। अब जहाँ से हमने छोड़ा था थोड़ा सा, अब वहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। सिलाई हमें उल्टे पे लगानी है, दोनों पीसेस सीधा दोनों साइड, मतलब कि अंदर की साइड ले करके उल्टे पे सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लग गई है, अब देखिए, अब एक पैर की सिलाई हम इस पे ऐसे टॉप स्टिच लगाएंगे, जहाँ से हमारा ओपन है वहाँ से अभी ओपन छोड़ देंगे। ये देखिए, ये बनकर तैयार है। ऐसे ही हम दूसरा पीस भी अपना रेडी करेंगे, सारे पीसेज जितने भी हमें लगाने हैं। और मैंने इसमें ये एक रो में 3 पीसेज जॉइंट किए हैं, मतलब कि एक लाइन में 3 पीस लगाए, 3-3 पीस का मैंने ये जोड़े हैं, 3 से ही हमारा अच्छा बड़ी चौड़ाई हो गई थी इसकी। ये देखिए, ये भी मैंने ऐसे कर लिया। अब इस पे भी ऊपर से ऐसे एक पैर की टॉप स्टिच में लगा दूंगी, ऐसे ही मैं ये पीसेज वो कर लूँगी अपने तैयार। और ये मैंने 3-3 के उसमें पीस रेडी किए थे, 12 पीस रेडी किए थे मैंने। अब देखिए, छोटी छोटी सी जो हम कतरने लेंगे वो हम अच्छे से ऐसे फैलाते हुए एकदम से ऐसे भरनी नहीं है, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। अच्छे से सेट करते हुए डाल लेंगे हम इनको। देखिए, मैंने तह कर करके ऐसे पूरे में ऐसे जो अच्छे से फैल जाए ऐसे लगाइए। अब देखिए, ये अच्छे से फिनिश हो गया है हमारा। अब जहाँ से हमने ये ओपन छोड़ा था यहाँ पे भी अब हम सिलाई लगा देंगे इसमें।
जिससे कि ये हमारा खुले ना। और अब एक सिलाई में बीच में ऐसे क्रॉस करते हुए लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से दूसरा क्रॉस बनाएंगे। ऐसे ऐसे ही हमें ये पूरे जितने भी हमें पीस लगाने हैं इतने हमें तैयार कर लेने हैं। पीस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े या मतलब कि जितने भी लगाने चाहिए ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें जो ये कतरे रख रही हूँ छोटे छोटे पीसेज बना के और अच्छे से फैला के रख रही हूँ, एकदम से ऐसे भरना नहीं है इनमें इसमें, नहीं तो फिर मशीन नहीं चलेगी, मोटा हो जाएगा। अच्छे से फैला के रखने हैं जिससे कि हमारा थोड़ा ये थिक भी हो जाए और अच्छे से ये हमारे कतरे सेट हो जाए। और ये वॉशेबल भी है, इसको हम अच्छे से धो भी सकते हैं, वॉशिंग मशीन में धो लो कैसे भी धो लो, इसीलिए मैंने बनाया है। और जो एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं ये हमारी जब हम इसको जॉइंट करेंगे तो तब ये हमें यूजफुल रहेगा, क्योंकि मोटा नहीं होगा वहाँ से और अच्छे से हम जॉइंट भी कर पाएंगे। जो हमारा थोड़ा थीक है वो बीच में से है जहाँ पे हमारी सिलाई है, सिलाई से सिलाई को हम अटैच करते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। तो अब ऐसे ही हम ये पीस अपने जो है रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये मैं और भी पीस रेडी कर रही हूँ इसमें, अब इन पे सिलाई लगाऊंगी। जैसे मैंने वे तीन पीस पहले रेडी किए ऐसे ही हमें ये भी सारे पीस जो है अपने रेडी कर लूँगी। ऐसे कट करते हुए इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करते हुए अब इसमें हम टॉप स्टिच लगाएंगे वही एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए ये हमने पीस रेडी कर लिए हैं और भी, और अब इनमें भी ऐसे ही हम जो ये हमारे कतरे ने इनको फिल कर देंगे। और देखिए यहीं पे हनु भी एप्पल खाता हुआ आया था और फिर उसने नहीं खाया, बोला मम्मा आप काम कर रहे हो एप्पल खा लो, वो मेरे को एप्पल दे के गया था यहाँ पे। ये मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी ऐसे ही बीच में क्रॉस करते हुए सिलाई। ऐसे ही हमें पूरे पीसेज अपने जो है रेडी कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये कितने सारे पीसी जैसे अपने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको आपको रखते हुए ऐसे दिखाती हूँ जैसे हम जॉइंट लगाएंगे। अब देखिए जो हमने एक पैर की सिलाई लगाई थी इसको ऐसे ऊपर नीचे रखते हुए अब हम इनको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे और ये आसानी से हमारे इस पे यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, क्योंकि हमने जो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाई थी वहाँ पर इतना थिक नहीं है, तो ये आराम से हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम तीन तीन पीसीज को ऐसे आपस में जॉइंट कर लेंगे, थ्री थ्री पीस मैंने जॉइंट कर लेने हैं फिलहाल इसमें। ये देखिए एक पीस एक रो बन गई, दो रो, फिर इनको आपस में जॉइंट करेंगे बाद में। पहले थ्री थ्री पीस जो है हम तैयार कर लेते हैं, जो रेडी कर लेते हैं जॉइंट करके, उसके बाद थ्री थ्री को आपस में ऐसे ही हम जो हमारे एक एक पैर की सिलाई है वो मार्जिन लिया था हमने उसको रखते हुए इसमें हम जो है सिलाई लगाएंगे और वो हमारा अच्छे से फिनिश भी हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से धो भी सकते हैं और गद्दे से टाइप हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए अब हम इसको ऐसे रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब इनको जो ये हमने थ्री पीस जॉइंट किए थे अब इनको आपस में हमें ऐसे भी जॉइंट करना है जैसे हमने थ्री थ्री पीस जॉइंट किए हैं, और ये हमारे अच्छे से आराम से जॉइंट हो जाएंगे और हमारे कतरनों का और कलरफुल सा मैट बन जाएगा धूप में बिछाने के लिए, नीचे फ्रश पर डालने के लिए, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। एक बार आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, मैट कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा मैट कैसा लगा। और मैंने इसमें ये फोर रो जो है जॉइंट की है, देखिए 5 रो जॉइंट की है मैंने इसमें। और आप इसको जितना मर्जी चाहे लंबा कर सकते हैं, मतलब कि लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसमें पीसीज में, ये भी छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ, अच्छे से किसी सुंदर सी मैट के साथ, डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे।